लोकतंत्र का सच आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। चाहे कोरोना काल हो या फिर किसान आंदोलन, सरकार पर तमाम सवाल उठाए जाते हैं। देश में दो धड़े बढ़ जाते हैं, चाहे वो टूलकिट का मामला हो या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन कहीं ना कहीं इससे देश का माहौल जरूर बिगड़ जाता है। आज लोकतंत्र के सच में बात होगी कि आखिर देश की छवि कौन खराब कर रहा है और क्यों। भारत में देश की छवि बिगाड़ने की सियासी साजिश चल रही है, ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में कही। वास्तविकता और राजनीतिक कारणों से गढ़े जा रहे बिंबों और किस्सों में बड़ा फर्क है। विदेश मंत्री इन दिनों अमेरिका में हैं। ये बात उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल एचआर मैकमास्टर के साथ खुले मंच पर हुए वार्तालाप के दौरान कही। We Indians are extremely confident about our democracy. We believe that that's really the political system and the value system that suits us. Yes, because as I said, it captures our fundamental diversity and culture of really reasoning and coming to positions and an acceptance of what the rules of the day throw up. So over the last 75 years, I think we've held multiple elections. We've had peaceful transitions of power. There are elections at different levels. One test of which is, of course, that if you have changes in the party in power at different levels, that itself is proof that democracy is working. And I don't think anybody in India would trade democracy for an alternative form of governance. जनरल मैकमास्टर ने हिंदुत्व का जिक्र किया था। उनका सवाल था कि क्या हिंदुत्व के कारण भारतीय लोकतंत्र का धर्म निरपेक्ष छवि प्रभावित नहीं हो रही। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये था कि कोविड महामारी के दौरान वहां की राजनीति क्या मोड़ ले रही है, ये भी कि क्या भारत के मित्रों का हाल के इन रुझानों के कारण चिंता करना गलत है। जवाब में जयशंकर ने कहा कि भारत की छवि को एक खास तरह से पेश करने की राजनीति साजिश हो रही है, गलत छवियां कहानियां गढ़ी जा रही हैं, लेकिन सच इन सब के विपरीत है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से भारत इस वक्त बेहद तनाव भरे समय से गुजर रहा है। हम लोगों को फ्री भोजन दे रहे हैं, पिछले साल कई महीनों दिया था और कोरोना की दूसरी लहर में इस वक्त दोबारा दे रहे हैं। यहाँ फ्री फूड से मतलब है राशन। ये फ्री फूड भी करोड़ दो करोड़ का नहीं बल्कि 80 करोड़ लोगों को, यही नहीं 40 करोड़ लोगों के खातों में रकम भी डाली जा रही है। जो मेहनत मजदूरी करते हैं, यहाँ बात उनकी हो रही है। उसके पास रोजगार हो और वो अपने काम के लिए ऋण ले सके, इन सभी बातों पर ध्यान दिया है। साथियों, आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। यानी अमेरिका की जो टोटल जनसंख्या है उससे डबल लोगों को एक पैसा लिए बिना उनका भरण पोषण कर रहा है। पिछले 3 महीने से मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। साथियों, गरीबों के जनधन खाते में हजारों करोड़ रुपए जमा कराना हो या फिर गरीबों के, श्रमिकों के रोजगार की चिंता, छोटे उद्योगों को, रेहड़ी ठेला लगाने वालों को आसान ऋण उपलब्ध कराना हो, या खेती, पशुपालन, मछली पालन और दूसरे कामों के लिए ऐतिहासिक फैसले, और सरकार ने लगातार काम किया है। ये सब हम चुपचाप गुमनामी में कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के पूर्व एनएसए को ध्यान दिलाया कि मदद पाने वालों की संख्या अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है।
उन्होंने कहा कि मदद का ये काम बिना किसी भेदभाव के हो रहा है। हम भारतीय अपने लोकतंत्र को लेकर विश्वास से भरे हुए हैं। भारत एक अत्यंत बहुलता भरा देश है। जयशंकर ने कहा कि भारत में पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स पर बड़ा आसरा किया जाता था, मौजूदा सरकार रणनीति के इस तरीके से हट गई है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। उन्होंने कहा कि भारत में अनेक मजहबों को मानने वाले रहते हैं, पूरी दुनिया में कैसे समूह कल्चर और पहचान के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। हमारे समाज में सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सभी मजहबों का बराबर सम्मान। भारत में आज जो हो रहा है उसे कई कारणों से देखने की जरूरत है। हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और गहराई में जा रही हैं। राजनीति में ज्यादा वर्गों की नुमाइंदगी है। देशवासी अपनी संस्कृति, भाषा और विश्वासों को लेकर अब आत्मविश्वास से लबरेज हैं। वो वर्ग आगे आ रहा है जो अंग्रेजीदा या इलीट नहीं है। ये बातें हमें मजबूत होते लोकतंत्र की कोतक है। जिस तरह से एस जयशंकर ने विदेश में जाकर विश्व पटल पर भारत की संस्कृति का बखान किया है, भारत के लोकतंत्र का गुणगान किया है, उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के सच में ये खुलासा होता है कि वाकई भारत में अलग अलग मजहब हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीति करके लोकतंत्र के सच पर सवाल खड़े किए जाते हैं उससे ये मसला पूरी तरह से विपरीत है। एक लोकतंत्र का सच ये भी है। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे एक खास मुद्दे के साथ लोकतंत्र के सच में। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।